क्षेत्र भर में केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए किसान विरोधी कानून के विरोध में जगह जगह राष्ट्रीय हाईवे सहित अन्य सड़कों पर किसानों द्वारा 2 महीने से अधिक समय से चल रहे आंदोलन के हित में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सुबह 11 बजे से केशव राय पाटन का प्रेम घाट का बराना लबाना रेलवे स्टेशन इंद्रगढ़ सहित क्षेत्र भर में जगह जगह सरपंचों व किसानों द्वारा हाईवे पर चक्का क्षेत्र भर के किसान यहां पर हाईवे जाम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली में चल रहे 2 महीने से भी ज़्यादा आंदोलन को आज यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के जो किसान हैं उनके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर लागू किए गए 3 कानूनों को वापस लेने के इसके मंसूबे से यहाँ पर किसान गांव-गांव से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि लबान रेलवे स्टेशन पर भी जो धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है, वो यहाँ पर घाट का बस स्टैंड के पर भी यहाँ पर भी किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस किन कारणों की वजह से वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश व्यास है। तो आप किन मांगों को आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं उसकी जानकारी चाहिए। तेई खेड़ा से मैं निवासी हूँ और जो देश में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार किसानों की सुनने के लिए हर दरबिता बरत रही है, किसानों की सुन नहीं रही है। लगभग 2-2.5 महीने उनको हो गए हैं, दिल्ली में वो पड़े हुए हैं और उन्हीं किसान आंदोलन के समर्थन में हम सबने गांव-गांव में ये प्रदर्शन शुरू किया है। और इसी के लिए आज हमने जो कोटा दोषा मेगा है लाल छोटे तो खा आस पास के लोगों ने हमारी मांग ये है कि सरकार को किसानों की समस्त मांगों को मान के जो तो ये जो धरना है ये कब तक आपसे जारी रहेगा और कब तक आप हमारे जो किसान संगठन है जो कल देश में उसमें किसानों की ताकत का प्रदर्शन और समर्थन दिखाने के लिए 12 से 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया था और इसी के संदर्भ में अब 3 बजे तक यहाँ पर धरना और सड़क जाम प्रदर्शन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रहेगी। जहाँ तक हम बताना चाहेंगे कि किसानों के द्वारा 3 घंटे का जो हाईवे जाम का आज रखा गया है, तो क्षेत्र भर के किसान हाईवे जाम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी जो यहाँ पर युवा टीम भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनके क्या मनसूबे हैं और किस प्रकार ये यहाँ पर जो है किसानों का साथ देने के लिए धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सरकार के द्वारा किसानों पर जो कानून लागू किए गए क्या क्या कमियां हैं उनके अंदर, युवा किस तरह से उनको देखते हैं? इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जैसे अपने 3 कानून का सामने किसान भाइयों के लिए उन्हें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मंडी का कानून है, मंडी का कानून मंडियों का कानून प्राइवेट मंडियाँ बना रखी है अंबानी अडानी ने, वो कानून जो मंडी वगैरह है उनमें जो अनाज वगैरह जाएगा किसानों का, किसान भाई सरकारी मंडी में जाएंगे, वो प्राइवेट मंडियाँ बना देंगे तो मंडियों में बाहर वाले भरेंगे में जैसे जैसे कि जो मंडी है तो मंडी में बोलेंगे कि हमारे लेते तो आप 20 रुपये किलो और बाहर बोलेंगे 25 रुपये किलो ले हमारे पास दे दो, तो जो भी किसान भाई है तो 25 रुपये किलो में बेचेंगे तो उसको आप बाहर बेचने लग जाएंगे तो सरकारी मंडियाँ तो खत्म हो जाएंगी। और जो हमारी ज़मीनें हैं तो बाहरी कंपनियाँ जो लीज पर ले रहे लीज पर ले देंगी तो ये बहुत नुकसानदायक है। तो एक तरफ तो जैसे सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो उसके बारे में क्या कहना है? कम से कम 12 राउंड की बातचीत सेंटर में और किसानों में और केंद्र सरकार में हो चुकी है, पर चूंकि सरकार सुनना ही नहीं चाहती, सरकार चाहती नहीं कि किसानों का हित हो, किसानों के लिए इन कानूनों की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं और बातचीत के नाम पर समय पास किया जा रहा है। 15-15 बार बातचीत हो चुकी है, 3 महीनों में लगातार केंद्र सरकार के मंत्री और उनके अधिकारी हमारे किसानों के जो संगठन के नेता हैं सब बातचीत कर चुके हैं। उल्टा इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए सरकार ने अपने अराजक तत्व को हम किसानों के बीच में भेज करके कई जगह हिंसक प्रदर्शन करवाए, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम सारे किसान आज देश के उन किसानों के साथ खड़ा होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे किसान सच्चे हैं और उनका हित होना चाहिए, ये काले कानून तुरंत प्रभाव से वापस आने चाहिए,
सरकार की ये तानाशाही कतई नहीं चल सकती। किसान जाग चुका है और सरकार को ये कानून वापिस लेने पड़ेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। एक सवाल मेरा आखिरी और है कि जैसे क्षेत्र से किसान दिल्ली जाने के लिए ऐसी कुछ अफवाहें हैं जो क्षेत्र से आ रही है, क्या सच में किसान इस क्षेत्र से दिल्ली जाने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है ये अंग्रेजी की सरकार से भी बदतर हो चुकी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो किसान दिल्ली तो क्या संसद का घेराव तक, संसद के अंदर तक, महीनों तक, जैसे पहले अंग्रेजों के समय में काला पानी जाना पड़ता था, वैसी स्थिति में एक एक गांव से, एक एक घर से, एक एक किसान दिल्ली तो क्या, जहां भी आवश्यकता होगी किसानों के बुलाव पर जाने के लिए तैयार है। और किसान अपने इस प्लान को, रणनीति को अपने हिसाब से अंजाम दिए हुए हैं। जब कभी भी हमें ऊपर से बुलावा आएगा हमारे किसान संगठनों का, हम जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक किसानों की बात करें, किसानों के साथ साथ युवा बनाकर अपने स्थान पर बिराजने का कष्ट करें। सभी युवा साथियों, किसान नेताओं और किसान भाइयों, आज सभी अपने अनुशासन का परिचय दें। यह धरना बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, सभी जगह। आप किसानों की, एक किसान का बेटा हूँ, इस पीड़ा को, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में मरता है, क्यों मरता है? मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, कृपया शांति बनाए रखिए अपने। ऑफिस नहीं जाएंगे जब तक कानून ऑफिस नहीं होगा, चालू रहेगा। जहाँ पर यहाँ की बात करें किसानों की, तो इनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और इससे भी, और जो 7 फरवरी को से करने के लिए प्रत्येक गांव में किसानों की जो आय है वो किसानों के लिए वो रद्द होनी चाहिए। रद्द करने के क्या मांगे आपने? कानून बनाए, तीनों कानून विधेयक इनको लाना चाहिए। तो कितने लोग आए आप आपके किसान अपने हक के लिए हम सभी लिए जाएगा। अच्छी बात नहीं है कि हम खुद के लिए दिल्ली तक जाएंगे। केंद्र सरकार बात नहीं मानी तब तक धरना चलना। हमारे पास और हमारे रूप में बनाए हुए हमारे सरकार नौशाला के तब तक जारी रहेगा। सरपंच साहब, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।